गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। स्टार्टिंग का वीडियो जो है म्यूज़िकल जो वीडियो आपने देखा है वो देख के आप समझ चुके होंगे कि आज के दिन की जो शुरुआत है वो मैंने जो है अगेन फिर से एक बार गार्डन ऑफ ड्रीम से की है। वो जगह मुझे इतनी अच्छी लगी, कल भी मैंने करीब 4 घंटे वहाँ बिताए थे और आज भी करीब मैंने 12 बजे से लेकर अब इस वक्त बज चुके हैं 5, तो काफ़ी अच्छा लंबा समय बिताया है। बहुत ही खूबसूरत सा वहाँ पे एक म्यूज़िकल जैमिंग था। बैंड का जो नाम था वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नादराज ऑफिशियल करके इनका इंस्टाग्राम पेज है। सारे के सारे बंदे बड़े ही सोलफुल थे, जो उन्होंने खुद अपने म्यूज़िक कंपोज की थी। एक फ्लूट प्लेयर था, 2 गिटारिस्ट थे, सब कुछ उनका पूरा बैंड है। और सारा का सारा जो बैंड था बहुत ही दिल से, बहुत ही दिल के गहराइयों से, आत्मा से म्यूज़िक निकाल रहे थे, आत्मा से म्यूज़िक बजा रहे थे। वहाँ इतना खूबसूरत समा था कि मैं आपसे क्या कहूँ। वैसे तो वीडियो देख के आप समझ ही चुके होंगे कि कितनी धमाल हमने की है वहाँ पे, कितना सुकून हमें मिला है और कितना एंजॉय हमें किया है। तो दोस्तों अब जो है बारी आ चुकी है कि मैं वहाँ से फिर बीच पे आ चुका हूँ और यहाँ से अब जिस जगह पर जाने वाला हूँ वहाँ पर कुछ ड्रमिंग का इवेंट है। तो जाऊंगा, देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो उसे भी शूट करूंगा और आपको भी ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या धमाल वहाँ हो सकती है या होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। वैसे मुझे जाना था ली वाई एन रोज, एक जगह का नाम है, बहुत ही विचित्र नाम है, इटालियन नाम साउंड करता है मुझे। पर वहाँ जाने के लिए जिस रास्ते से मैं निकला था वहाँ पार्किंग नहीं थी, तो थोड़ी सी आगे मुझे एक पेन पार्क में मेरी कार के लिए पार्किंग की जगह मिल चुकी है। तो वहीं पे पास मैंने एक होटल का नाम देखा है, कैफे फूड प्लेनेट, जो कि ठीक मेरे पीछे इसका बोर्ड देख सकते हो, कैफे फूड प्लेनेट। और ये जगह भी जो है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं आपको भी ये जगह दिखाऊं, क्योंकि आप भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा सा हैंग आउट कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और क्राउड भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों अंदर लेके चलता हूँ, गेट से अंदर, और आपको भी जगह को दिखाता हूँ। कैमरा रोटेट करता हूँ, देखिए। यहाँ पे आने का जो रास्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही नैरो रोड है। अगर सामने सामने 2 कार आ जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है, जैसा कि अभी आते हुए डिफ़िकल्टी हुई मुझे भी यहाँ पे। तो नज़ारा बता दूँ दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ चल रहा हूँ उसके ठीक राइट साइड में जो है एक ब्यूटीफुल सा लेक है और उस लेक से होते हुए जो है जिस जगह पर मुझे जाना, उसका नाम मुझे याद नहीं आता, ला वाई रोज ऐसा कुछ नाम है इटालियन नेम। पर मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से वहाँ पर और वहाँ जाके फिर देखते कि वहाँ पर इवेंट है कि नहीं है, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बट समटाइम्स इवेंट्स चेंज भी हो जाते हैं। तो वहाँ जाके अपडेट करता हूँ। ओके दोस्तों, इस वक्त मैं इस प्रॉपर्टी में आ चुका हूँ। इस प्रॉपर्टी में मुझे अभी आदित्य मिले हैं और आदित्य जो है इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पे कितने रूम्स है, क्या एमिनिटीज़ है और क्या प्राइजेज़ है और क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए किए जाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ में है आदित्य। हाय, हाउ आर यू? तो आदित्य, विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी अबाउट दिस प्रॉपर्टी, और कितनी पुरानी प्रॉपर्टी और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं? सो दिस प्रॉपर्टी इज़ लाइक 3 months ओल्ड, वी जस्ट स्टार्टेड। ओके। और हमारे पास रूम स्टार्ट फ्रॉम लाइक 3300 पर नाइट एंड इट गोज अप टू लाइक 7K पर नाइट। वी हैव 2 BHK स्टूडियो रूम्स एंड नॉर्मल होटल रूम्स। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आवर प्रॉपर्टी इज़ लाइक हम लोग बीच के ऊपर है, तो बीच इज़ लाइक अंडर 100 meters अवे। वी हैव आवर ओन शैक। Okay. And the events we do is like drum circles, we have different artists, live performances, okay. And we also do like meditation, breathtaking, breathing exercises, okay. And like Zumba classes, MMA, boxing. We have our own rooftop also, okay. And it has like punching bags and every equipment you need, okay. To exercise. Everything is over here. Yeah, over here. So you don't need to go anywhere, friends. तो इतना ही कहूँगा कि इनका जो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा, आदित्य का इंस्टाग्राम आईडी भी जो है इस वक्त स्क्रीन पे मैं डालूंगा, तो उसको फॉलो कीजिए। और मैंड्रेन बीच के ऊपर बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, सामने सीधा बीच और सनसेट भी मैं भी देखने वाला हूँ यहीं से, तो आप इन्जॉय कीजिए। वैसे मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी कि आज यहाँ पर ड्रम सर्कल है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, वो कल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से वापस चलूँगा और पास ही में कई रेस्टोरेंट में वहाँ पर ड्रम सर्कल है, जो मैंने प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले शूट करके आपको दिखाई थी वहीं पे। तो आई विल गो बैक टू दैट प्लेस एंड आई विल शो यू व्हाट इज ड्रम सर्कल एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ड्रम सर्कल का जो इवेंट है वो द फूड प्लेनेट में ही है, जहाँ पहले आया था, जहाँ मैंने आपको शूट करके कहा था कि यहाँ पे बैठ के आप अच्छा एंजॉय कर सकते हो सनसेट को। तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सारे म्यूजिशियन जो है अपनी तैयारी कर रहे इक्विपमेंट्स की, और मैं जो हूँ वापस बीच के ऊपर ही खड़ा हूँ और ठीक मेरे सामने का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। तो चलो कैमरा रोटेट करता हूँ और आपको ये दृश्य भी दिखाता हूँ, आप भी इंजॉय कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी जो है बहुत ही धमाल एंजॉय किया है ड्रम सर्कल को। बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट था। अब जो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, निकलने की तैयारी में हूँ और जा रहा हूँ अपने रूम पे, वहीं लव टेंपल में, और वहाँ जाके फिर अगला प्रोग्राम जो है वो मुझे चेक करना पड़ेगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे मैं क्या चेक करता हूँ, कहाँ चेक करता हूँ कि गोवा में कहाँ पार्टी होने वाली है, ये सब बताने के लिए आपको मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। किसी भी वीडियो में बता सकता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे क्या देखता हूँ और कहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो वो मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ। बता दूंगा तो आप सारे वीडियोस देखोगे नहीं, तो तब तक इंतज़ार कीजिए और सारे वीडियोस को स्टार्ट टू एंड तक पूरे देखिए। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ ट्वाइस इन नेचर, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा और फेवरेट जगह है अरम्बोल पे। तो इस वक्त यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है आज, कोविड के चलते जो इवेंट है 11 बजे सब कुछ बंद हो जाते हैं यहाँ पे, बट 11 बजे तक यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है, म्यूजिकल इवेंट है। और इस वक्त अगर आप बैकग्राउंड में मेरा सॉन्ग सुन सकते हो तो लकी अली का ओ सनम सॉन्ग चल रहा है। चलिए दोस्तों, तो मैं तो इन्जॉय करने वाला हूँ 11 बजे तक यहाँ पे, तब तक आपको भी साथ में इन्जॉय कराता हूँ, तो आप भी इन्जॉय कीजिए, चलिए मेरे साथ। तुझको चाहे यारा बताना बातें दिलों की ये खोजो बाकी आगे तुझे समझाए तू जाने ना दोस्तों। इस वक्त ट्वाइस इन नेचर से मैं निकल चुका हूँ, आया हूँ सीधा शून्य में। शून्य जो है बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि आरंबोल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे बहुत सी हैपनिंग पार्टी है। आज यहाँ पे एस्केटिक डांस का जो शो है यहाँ पे चल रहा है, तो दोस्तों आपको भी साथ में लेके चलता हूँ यहाँ पे। एस्केटिक डांस में बहुत ही ब्यूटीफुल सी पार्टी है, लेकिन खाली आधा घंटा ही बचा है, तो आप भी मेरे साथ में इंजॉय कीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है इस वक्त यहाँ पे। दोस्तों अभी जो है मैं एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान से मिला हूँ, एलिया से, जो कि रशिया से है। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सी परफॉर्मेंस की है, जो कि इस वक्त मैं यूट्यूब पे इस वक्त आपको दिखाऊंगा कि वो कितना टैलेंटेड बंदा है। बहुत से पक्षियों की आवाज़ और बहुत से साउंड इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ जो है वो निकाल सकता है। जितना मैंने इन्जॉय किया उतना आप भी इन्जॉय करेंगे। Everybody, please look at you, everybody. दोस्तों इस वक्त मैं शून्य में हूँ, और शून्य में आज का जो अनुभव है वाकई में शून्य हो जाने के बराबर था। बहुत ही स्पिरिचुअल फील किया है मैंने, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ आज का ये अनुभव था। एस्केटिक डांस मतलब मुझे लगा था कि किसी प्रकार का कोई बहुत ही बेहतरीन टाइप का डांस होगा, लेकिन डांस के साथ साथ में बहुत ही स्पिरिचुअल टच था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने आज समझा है मैं आपको बता दूं कि एस्केटिक डांस जहां कहीं भी होता है वहां पे ड्रिंक्स ज़रा भी अलाउड नहीं होता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, और आप स्मोक ज़रा भी नहीं कर सकते हो। बस आपको सिर्फ अपने आप में हो जाना होता है। स्पिरिचुअल अनुभव का एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास अगर कोई है इस दुनिया में तो वह एस्केटिक डांस। तो जीवन में अगर कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर इसे महसूस कीजिएगा, जैसा कि मैंने कि आज अनुभव किया है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत अनुभव के साथ मैं इस वक्त शून्य से शून्य होके निकल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस अनुभव को महसूस कर पाएंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ कहीं भी एस्केटिक डांस होता है वहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है, फिर भी मैंने कुछ दृश्यों को कैप्चर किया है आप सभी के लिए रिस्क लेके, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ इसके लिए मैंने ये काम किया है। उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ, और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप भी कभी हो सके तो जीवन में एस्केटिक डांस का अनुभव जरूर कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर कनेक्ट होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।